नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका पंडित शंकर लाल आचार्य यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की हमारी वीडियो का विषय है बालों से करें किसी का भी वशीकरण। अगर आप भी किसी को अपने वश में करने के तौर तरीके ढूंढ रहे हैं और बहुत से टोटके अपनाकर आपने देख लिए लेकिन आप अपने इस कार्य में सफल नहीं हो पाए, तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहे, हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से किसी को भी आप चंद ही मिनटों में बालों से वशीकरण करके अपने वशीभूत कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा। दोस्तों आज के इस वीडियो से आप अपने उस सबसे बड़े दुश्मन को अपने वश में कर पाने में कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों आपको सिर्फ क्या करना होगा, हमारे इस वीडियो में बताए गए छोटे से टोटके और मंत्रा से आप उस इंसान पर काबू पा सकते हैं जिस इंसान को आप अपने वशीभूत करना चाहते हैं। दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ उस इंसान के थोड़े से बाल लेने हैं जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। उस इंसान के थोड़े से बाल लेकर के आपने एक लाल कलर के कपड़े में बांध लेने हैं। अब उस लाल कलर के कपड़े को आपने रात को चौराहे पर जाकर एक दीपक जलाना है और उसके पास रख देना है। उसके साथ जलाने के बाद आपने एक मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप इस प्रकार से है, ओम नमो स्वाहा, ओम नमो स्वाहा। इस मंत्र का जाप करते हुए आपने सारी प्रक्रिया को जारी रखना है। इसके बाद आपने उस जले हुए बालों को चलते हुए पानी में पधरा देना है। ऐसा करने के बाद आपका दुश्मन आपके कदमों पर होगा। दोस्तों अगर आप अपनी पत्नी को वश में करने चाहते हैं या फिर पति को या फिर आपका कोई ऐसा दुश्मन है, आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जिससे आप बदला लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आप ये वशीकरण टोटका उस इंसान पर भी अपना सकते हैं। आपने दूसरा टोटका क्या करना है दोस्तों, जिस किसी का भी वशीकरण करना चाहते हैं उसके थोड़े से बाल फिर से ले लीजिए और आपने उन बालों को जलाकर अपने पैर से कुचल देना है। कुचलने के बाद आपने उस जले हुए बालों को अपने प्रवेश द्वार के सामने गड्ढा खोदकर दबा देना है। दबाने के बाद आपने उसको अच्छी तरह से कवर कर देना है और ये कार्य करते हुए आपने एक मंत्र जाप भी करना है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम अमुक स्वाहा स्वाहा वश्मे देवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए आपने सारी प्रक्रिया को जारी रखना है। इसके बाद आप अपने घर जाकर किसी से बात नहीं करनी और पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना। दोस्तों ऐसा करने के बाद आप जिस किसी भी इंसान को अपने वश में करना चाहते थे वो आपके काबू में होगा, वश में होगा और फिर से कभी आपकी लाइफ में आके आपको परेशान नहीं कर सकेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप आज की हमारी इस वीडियो के मंत्रा से बालों से प्रचंड वशीकरण करने के तरीके जानने के बाद आप अपने हर एक समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। और दोस्तों अगर आप आज की हमारी इस वीडियो से कामयाब होते हैं अपने कार्य में तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।